भारतीय वैद्य समन्वय समिति द्वारा संचालित श्री आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा वैद्य रामनारायण जी शर्मा की स्मृति में रोल ऑफ समितोक्ता श्री धान्य मिलेट्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मिलेट्स विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं मिलेट्स से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार भी मिलेट संबंधी जन जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करी है। ऐसी श्रृंखला में श्री आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा मिलेट्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, मिलेट्स प्रदर्शनी, मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर का सबसे पुराना आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुरी नहीं विदर्भ का सबसे पुराना महाविद्यालय। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष को भारत सरकार के प्रयत्नों से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, तो हम लोग आगामी 27-28 अक्टूबर को एक नेशनल सेमिनार, नेशनल संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। उसमें पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने मिलेट्स पे काम किया है वो आ रहे हैं। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी हम लोगों ने आयोजन किया हुआ है और पाक कला की प्रतिस्पर्धा रखी है जनरल लोगों के लिए कि जो हमारे उनको मोटा धान बोलते हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनसे क्या क्या पकवान बनाए जा सकते हैं, इसकी भी एक स्पर्धा का हम लोगों ने आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के शुभ हस्ते 27 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे संपन्न होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय वैद्य समन्वय समिति के अध्यक्ष सुरेश शर्मा करेंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्र, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय का प्राचार्य। हमारे यहाँ पे आगामी 27, 28 और 29 अक्टूबर को यहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार मिलेट्स के ऊपर आयोजित किया गया है। मिलेट्स यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष करके घोषित किया है, जिसके द्वारा पूरे देश में जगह जगह पर ये मिलेट्स के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यह हमारा 3 दिन जो नागपुर हमारा विशेष केंद्र है भारत का, इस नागपुर नगरी में मिलेट्स के लिए पूरे देश से विद्वानों का आगमन होगा। उनके द्वारा मिलेट्स के बारे में परिचर्चा की जाएगी, उसकी खेती के बारे में, उसके उत्पादकता के बारे में और वहाँ किस तरह से हम उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस संगोष्ठी के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेट्स के जो उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और प्रदर्शनी के साथ साथ में पाक कला का स्पर्धा भी किया जाएगा। इस प्रकार से यह नागपुर के वासियों के लिए और उसके साथ साथ में पूरे देश से आने वाले जो शोध छात्र हैं, जो चिकित्सक हैं और जो शिक्षक गण हैं, उनके लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो मेरी सबसे यही विनती है कि उसका अत्यधिक रूप में आप लोग लाभ लें और भारी से भारी संख्या में पहुंच करके आप इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करें। जी धन्यवाद। इस अवसर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के डॉक्टर रघुराम भट्ट, नई दिल्ली, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति वैद्य पीके प्रजापति तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पूर्व निदेशक वैद्य बनवारी लाल गौड़ जयपुर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी में देश भर के आयुर्वेद के विद्वान मिलेट्स से संबंधित विषयों जैसे मिलेट्स का रोगानुसार सेवन, प्रकृति व दिनचर्या एवं ऋतुनुसार मिलेट्स उपयोगिता, रोगों से बचाव एवं स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स कैसे उपयोगी है आदि विषयों पर अतिथि व्याख्यान देंगे। संगोष्ठी में 150 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। डॉक्टर कल्पेश उपाध्याय, उसका उद्घाटन 27 तारीख को सुबह 11 बजे केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के हस्ते संपन्न होगा। और इसमें देश भर से विद्वान जैसे हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा पद्धति के जो आयोग है उसके अध्यक्ष रघुनंदन मुख्य जी पधार रहे हैं और जो हमारी राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है वहाँ के वाइस चांसलर पी के प्रजापति सर वो भी आ रहे हैं। ऐसे देश भर के आयुर्वेद के विद्वान विभिन्न विद्वान इसमें आएंगे और इसमें विभिन्न बीमारियों से रिलेटेड, कौन सी बीमारी में लेना, डायबिटीज में कब लेना चाहिए,
ब्लड प्रेशर में कम लेना चाहिए, कौन से डिजीज के हिसाब से कम लेना चाहिए, कौन से ऋतुओं में लेना चाहिए इस हिसाब से, और उनसे बनी हुई जैसे रागी से बने हुए बिस्किट्स अच्छे होते हैं, कौन सी इससे कुकीज़ अच्छी रहती है, कौन सी इससे दूसरे ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, इस तरह के विभिन्न विषयों पर वो उनसे जानकारी देंगे जनता के लिए बहुत उपयोगी है।